आज हम देखेंगे इस वीडियो में तुलनात्मक विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे हल करते हैं तुलनात्मक विधि द्वारा, वो आज हम जानेंगे। तो नाम से यह स्पष्ट होता है, तुलनात्मक मतलब होता है कंपेरिजन करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूल्स क्या होंगे इसके, तो फर्स्ट जो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले हमें समीकरण से कोई अज्ञात चर, चर बोले तो क्या, एक्स वाई का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब अल्जेब्रिक वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरे समीकरण से भी हम वही काम करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स निकालते हैं तो दूसरे इक्वेशन से भी एक्स निकालेंगे और दोनों को सामने सामने रख देंगे और कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें वहां से जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा हमें किसका वैल्यू, जस्ट अपोजिट। अगर एक्स से चलते हो तो वाई मिलेगा, वाई से चलोगे तो एक्स मिलेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन मेरा यही है ना, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग करेंगे, तो कोई एक को रोक के रखते, चलिए इसी रोकते हैं, ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, एक जगह रखते हैं प्लस, इधर आया तो माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाई निकालते हैं, तो वाई बराबर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखे हैं, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, जो सट्टा से हो गया इसके बट्टा में ए प्लस बी, ठीक है। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। ठीक इसी प्रकार आप लोग चलते हैं, हम लोग क्या चीज यहाँ लिख देते हैं, किससे चले हम लोग, समीकरण एक से चले थे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो से इसी प्रकार चलेंगे, समीकरण दो से, तो समीकरण दो से क्या है मेरा समीकरण दो, देख सकते हो ए प्लस बी इंटू, यहां भी वाई को रोके थे तो वाई वाले को रोक के रखते हैं बराबर, यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। चलिए इसको ब्रैकेट में रखते इकट्ठा, वाई बराबर हमें यहां से निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, जो सेट्टा हो गया इसके बट्टा में ए प्लस बी, इक्वेशन मेरा हो जाता है फोर्थ। कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को, हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ कंपेयर करेंगे, वाई वाई दोनों है। जब देखिए जब हम सिंपल सा बात करते हैं, अगर हम लिख देते कि राम है वह बराबर है किसके, श्याम के, और कोई दूसरा आदमी बोलता है कि राम जो है वह बराबर है किसके, मोहन के, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि श्याम और मोहन बराबर होंगे। जब एक वाई जो है इसके बराबर है, वाई जब इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर होंगे ना, तो समीकरण तीन और चार से हम किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो आप देख सकते हो यहां से लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर ब्राइकेट में ए माइनस बी इंटू एक्स बाई ए प्लस बी बराबर किसके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बट्टा में ए प्लस बी, तो देख सकते ये से ये तो हो जाता कैंसिल। अब यहाँ से हमें एक्स निकल के आएगा, यहाँ से लिख देते हैं क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स बराबर, यहाँ से क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में था ना, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब हम लोग यहाँ से देखिए कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं, ये सेम ब्यादर है ना, तो एक्स एक्स दोनों के पास है, ये एक्स है, ठीक है, एक जगह ले जाते इकट्ठा करते हैं, यहाँ से चलिए माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, ये माइनस इधर आके प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर, एक तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये प्लस वाला टर्म इधर आके माइनस टर्म बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। चलिए एक्स इसके पास, एक्स इसके पास, एक्स हम लिया यहाँ से कॉमन, यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी और यहाँ से लिख दीजिए कि माइनस लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इसका चेंज करेगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए बी माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक। चलिए कुछ टर्म दिख रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल, एक्स इंटू बी बी क्या हो गया टू बी इक्वल्स टू यहाँ से हो जाता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक। दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर, देख सकते हो यहाँ से बी इसके पास भी, बी इसके पास भी, टू दोनों के पास है ना, तो हम कॉमन ले सकते हैं टू बी, टू बी जब कॉमन ले लिए तो आप क्या देखोगे, यहाँ से क्या बच जा रहा है मेरे पास बी प्लस, यहाँ से क्या बच जा रहा है ओनली ए, और ये जो सट्टा सो बट्टा में टू बी, ये सही हो जाता है कैंसिल, और एक्स हमें मिलता है क्या, तो एक्स बराबर हमें मिला क्या, तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, बात तो सेम है, तो एक्स निकल चुका है, अब हमें निकालना है क्या चीज, वाई का वैल्यू। तो कोई एक समीकरण में, समीकरण चार में, ठीक है चार में रख देते हैं, समीकरण चार में एक्स बराबर ए प्लस बी रखने पर, यही था तुलनात्मक विधि, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके तुलना कर देना था, कंपेयर कर लेना था। दिस इंप्लाइज वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना था ए प्लस बी बाय नीचे में भी ए प्लस बी, ठीक है। चलिए दिस इंप्लाइज वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों सेम टर्म दिख रहा है तो ए प्लस बी का चढ़ा सकते हैं होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी। दिस इंप्लाइज वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी बाय ए प्लस बी। दिस इंप्लाइज वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, किस कारण साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी। दिस इंप्लाइज आप यहां से देख सकते हो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी, अतः हमें निकल चुका है x बराबर कितना, तो a प्लस बी, और y बराबर मेरा निकला है माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी, तो यही होगा मेरा फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में जरूर आया होगा।